बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू निनी किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार फ्रूट ट्राइफल कस्टर्ड। तो सबसे पहले हम अपना कस्टर्ड रेडी कर लेंगे, बाकी इंग्रेडिएंट्स की तरफ बाद में आते हैं। तो मैंने ले लिया 1 लीटर मिल्क, 1 लीटर में से थोड़ा सा बचा लिया, जिसमें मैं कस्टर्ड पाउडर मिक्स करूँगी। और ये मैंने मैंगो फ्लेवर लिया कस्टर्ड, आप कोई भी अपने पसंद से ले सकते हैं, वनीला या कुछ भी जो आपको पसंद हो। ये 1 लीटर में मैं 4 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये मैंने बारकर इस ले लिया 4 टेबलस्पून, और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी ताकि कोई भी लम्स ना रहे। ये देखिए मैंने पाउडर को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया, कुछ भी लम्स नहीं है इसमें। अब मैं स्टोव पे दूध रख लूँगी बॉयल होने के लिए। इसको बॉयल होने के लिए मैंने रख दिया, और इसमें मैं 1 कप शुगर ऐड कर रही हूँ। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और जब दूध में बॉयल आएगा तो हम कस्टर्ड पाउडर ऐड कर देंगे। ये देखें दूध को बॉयल आ गया। अब इसमें मैं ये थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड पाउडर ऐड कर रही हूँ। हमने एक दफ़ा ही मिक्स नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके करना। देखिए हमारा कस्टर्ड बिल्कुल, मैंने बॉयल दूध में डाला था तो बिल्कुल 2 मिनट में रेडी हो गया। हमें इतना ही गाढ़ा चाहिए, बहुत ज़्यादा हमें थिक भी नहीं चाहिए। ये देखें इतना गाढ़ा बिल्कुल ठीक है। चूल्हे को मैंने बंद कर दिया। अब इसको मैं थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखूंगी। फिर कस्टर्ड को मैंने बिल्कुल अच्छे से ठंडा कर लिया, और ये देखें मैंने हैंड मिक्सर की मदद से इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स किया ताकि बलाई ऊपर ना आए, और हमारी एक तैर जो जम जाती है ऊपर वो ना जमे, क्योंकि हमें ऐसे ही चाहिए था। तो इसके लिए मैंने ले लिया टॉपिंग के लिए व्हिप्ड क्रीम, और ये मैंने प्लेन बिस्किट लिए हैं, आप कोई भी प्लेन बिस्किट ले सकते हैं। उसको मैंने ऐसे बिल्कुल इस फॉर्म में ले लिया, चूरा कर लिया। और मैंने ले लिए कुछ ड्राई नट्स, और फ्रूट में मैंने स्ट्रॉबेरी ले लिए, और कुछ ये टूटी फ्रूटी ले लिए। आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी टॉपिंग कर सकते हैं जो आपको अच्छी लगे। तो मुझे ये पसंद था तो ये मैंने ये ले लिए हैं। ये मैंने ग्लास का बर्तन ले लिया है, आप भी कोई भी ग्लास का लें क्योंकि इसमें अच्छा लगता है, फिलिंग हमारी जो भी होगी नज़र आएगी। और सबसे पहले मैं नीचे ये बिस्किट प्लेन जो मैंने पीस लिए थे इसको ऐड कर लूँगी, और ये स्ट्रॉबेरी जो मैंने ये थोड़ी सी साइड पे लगा लूँगी ताकि ये बाहर से नज़र आए। ये देखें मैंने नीचे बिस्किट ऐड करके ये स्ट्रॉबेरी की साइड पे ऐड कर लिए, और अब इसमें पहले मैं ये कस्टर्ड ऐड कर लूँगी। ये मैंने थोड़ी सी जगह बचाई है ताकि क्रीम और बाकी चीज़ों के लिए जगह बचे। अच्छा, ये कस्टर्ड ऐड करने के बाद ये मैंने थोड़ा सा छोटे बाउल में भी ऐड कर लिए, और अब इसमें मैं व्हिप्ड क्रीम ऐड कर लूँगी। ये अब बाकी क्रीम मैं इसके ऊपर ऐड कर लूंगी। ये मैंने 250 ml क्रीम ले ली थी, जिसको थोड़ी सी आइसिंग शुगर ऐड करके मैंने वर्क कर लिया था। क्रीम को मैंने ऊपर से स्पैचुला की मदद से थोड़ा सा प्लेन कर लिया, और ये कुछ स्ट्रॉबेरी मैं ऊपर लगा लूंगी। मैंने स्ट्रॉबेरी कुछ ऊपर ऐड कर लिए,
और अब ये ड्राई नट्स मैं थोड़े से साइडों पे स्प्रिंकल कर लूँगी। ये ड्राई नट्स मैं थोड़े से साइड पे लगा रही हूँ। ये बहुत ही और क्विक बनने वाली रेसिपी है। आप कोई भी गेस्ट आ जाएं या घर में आप बच्चों की पसंद से बना सकते हैं। ये बहुत ही क्विक और मज़े की है। और ये जो टूटी फ्रूटी ये मैं थोड़े से दरमियान में ऐड करूँगी। ये हमारी बहुत ही मज़ेदार कस्टर्ड फूड ट्राइफल तैयार हो गया है। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।